तक पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से समाज जारी है और अकबर इस बाबर के वकील दलाल दे रहे हैं। यहां पर आपको अहम खबर देंगे लाहौर बार इंतखाबात के हवाले से। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी वकला की हवाई फायरिंग और पुलिस नफी ने मौके पर पहुंचकर मुतादिद वकला को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे आबिद खान से। आबिद बताएगा क्या मामला है ये। बिल्कुल जी, आज लाहौर डिस्ट्रिक्ट पार्क के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात में जब आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी समेत दीगर जो उम्मीदवार जीते तो उनके जो हामी वकला थे उन्होंने अचानक जो है वो फायरिंग शुरू कर दी और इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो उस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने फायरिंग करने वाले मुतासिर वकला को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर चूंकि वकला की बहुत बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, उन तमाम वकला के साथ जो है पुलिस की आतापाई भी हुई, उनके साथ हंगामा रही भी हुई, मगर उसके बावजूद कुछ वकला को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके मुतलिका थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। ये रवायत दो चार साल मुसलसल मुस्तहकम होती जा रही है कि जब वकला की तंजीम का इलेक्शन होता है और लोग जीतते हैं तो हवाई फायरिंग की जाती है और खुली आम फायरिंग की जाती है। ऐवान अदर के पास मेन सड़क पर यह फायरिंग की गई। शाम पुलिस ने आज पुलिस तक कार्रवाई की है और मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।